जिसको छोड़कर उगाया जा सकता है इसको, और ये एक इसका फिर आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसका क्या क्या महत्व है, तो महत्व में इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है ये ओस्ट मशरूम। और जो ओस्ट मशरूम है वैसे तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है, लेकिन इंडिया के अंदर है वो बटन मशरूम ग्रो की जाती है सबसे ज्यादा। लेकिन राजस्थान में बटन मशरूम इसलिए कम ग्रो की जाती है क्योंकि इसके लिए कंडीशन अप्लाई कम ज्यादा करनी पड़ती है, टेम्परेचर मेंटेनेंस ज्यादा रखना पड़ता है इसमें। और फिर बाद में आता है कि इसके लिए मेन ग्रेन क्या क्या चाहिए ओस्ट्रो मशरूम के लिए, तो मेन ग्रेन के लिए आपने लगाया था यहाँ पे 20 था बाविस्टिंग का और मेडियम का, और आप जो स्ट्रो है वो वीट का भी ले सकते हो, बाटे का भी ले सकते हो, रागी का भी ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, कपास के पत्तियां भी ले सकते हैं जिसमें स्टार्च और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वो ले सकते हो आप। तो इसके लिए फिर आता है इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो 10 किलोग्राम वीट स्ट्रो लेते हैं, उसमें 10 ग्राम 10 किलोग्राम अगर अपन वीट स्ट्रो ले लें तो उसके अंदर 10 ग्राम बाविस्टिन और 10 ग्राम फॉर्मेलिन डाला जाता है। फॉर्मेलिन उसको 200 लीटर टंकी में डालकर, 200 लीटर पानी की प्लास्टिक की टंकी में डालकर, फिर बाद में उसमें 100 लीटर 10 से 15 लीटर पानी डाल दो पहले टंकी में, पानी डालने के बाद में उसमें फॉर्मेलिन और बाविस्टिन डाल दो, 125 ml फॉर्मेलिन मिलेगा उसमें और 10 ग्राम मिलेगा 10 ग्राम बाविस्टिन, वो डाल के उसको अच्छी जो लकड़ी हो उसके भी लाके वो चारे को पहले डाल दिया जाता है। अगर अपन 100 किलो वाटर डाल देंगे उसके बाद में अगर स्वीट स्ट्रो को डाला जाता है तो अच्छे से भीगेगा नहीं उसमें पानी में, उसके इसके डालने के बाद में इसको 12 से 14 घंटे के लिए इसको स्टरलाइज होने दिया जाता है, इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसको ट्रीटमेंट एंड उसको पानी में डालने के बाद में भिगोने के बाद में इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, फिर इसको आता है कि इसको वापस सुखाना पड़ता है इसको। आप जैसे हमने सुखाया था यहाँ पे इसको प्लास्टिक के तिरपाल या किसी के तिरपाल में लेके धूप में सुखाया जाता है, अगर आप सुखाएंगे कब तक, जब तक इसमें वीट स्ट्रो लिया था उसमें 30% मॉइस्चर नहीं है, जब तक पीनट और मॉइस्चर पूरा रन न हो जाए, ठीक है। इसके लिए जो टेम्परेचर है 25 से 28 या ये मान लो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और इसमें जो वाटर है, वाटर की रिक्वायरमेंट, जब से पीनट बाहर निकल जाएंगे ना पॉलीथीन से पीनट बाहर निकलने के बाद भी इसमें वाटर दिया जाता है, तब तक इसमें कोई वाटर नहीं दिया जाता है। और इसमें जो पॉलीथीन को पैक करने के बाद में इसमें लगभग अगर अपन 5 किलोग्राम की पॉलीथीन ले रहे हैं तो उसमें 7 से 8 होल्स किए जाते हैं, अगर उससे छोटी ले रहे हैं तो उससे भी कम अपन वो होल्स कर सकते हैं उसमें। और फिर बाद में इसको रूम में रख दिया जाता है, और इसका हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, हार्वेस्टिंग का टाइम 3 दिन, पीनट अगर अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो पीनट तो निकल जाएंगे 15 दिन में, टेम्परेचर वगैरह मौसम सब कुछ कंडीशन अप्लाई हो रही है तो 15 दिन में आराम से मानसी वो पीनट बाहर निकल जाते हैं। और अगर फिर भी नहीं हो रहा कंडीशन अप्लाई तो लगभग 25 दिन तो लगेंगे उसमें कंफर्म है, 25 दिन में पीनट बाहर निकलेंगे। पीनट बाहर निकलने के 6 से 7 दिन बाद में आपका जो पीनट निकला था वो पूरा एक लीव्स के रूप में अपना पूरा रूप ले लेता है पत्तियों का वो, और उसके बाद में अगर अपन ने वो पूरा ग्रो हो गया अब इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। हार्वेस्टिंग कैसे करें कि कैसे पता करें हार्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे पता चलेगा अपन को जो इसमें से ये पीनट, ये तो पीनट थे लेकिन अगर ये पूरा अगर रूप ले लिया, अगर फिर इसकी जो पत्तियां थी ना अगर ये ऊपर की तरफ घूमने लगी हल्की सूखी, फिर बाद में इसको तोड़ दिया हार्वेस्ट के टाइम, मतलब कि हार्वेस्ट के लिए तैयार है तो इसको तोड़ने का जो अच्छा मेथड है इसको काटा नहीं जाता, इसको राउंड में घुमा के और फिर तोड़ा जाता है यहाँ से। तो एक्चुअली ये तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो गई, तब सेकेंड हार्वेस्टिंग कब करें इसकी, सेकेंड हार्वेस्टिंग में कि
पॉलिथीन बैग है, इसको फर्स्ट हार्वेस्ट के लिए बांग्लादेश में मांग की अप्लाई नहीं हो रही है। तो फर्स्ट हार्वेस्ट इससे पहले दिन पर हुई, तो इसके 10 दिन बाद ही, 10 के बाद ही बाद में सेकेंड हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। टोटल इसमें हार्वेस्टिंग होती है वो 3 होती है मोस्टली, तो लेकिन इससे भी ज़्यादा कई और है जो ओवरटेक लेवल पे करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा लेते हैं, 4 या 5 ही लेते हैं। फिर बाद में इसको ये पीनट यहाँ पे निकला था फर्स्ट वाला, जैसे मान लो यहाँ पे निकले, अब दोबारा इसी जगह से पीनट बाहर नहीं निकलेंगे, जो इन दोनों के बीच में जो होल्स किए थे, इन दोनों होल्स के बीच में एक